नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाजिन खान। दुबई की राजकुमारी लतीफा का कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी हुआ जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि वो अपने घर में बंधक बनकर रह रही है। इस पर दुबई के शाही परिवार का कहना है कि राजकुमारी लतीफा का घर में देखभाल किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात से दुबई के एक शख्स शासक की बेटी शेख लतीफा के जिंदा होने की प्रमाण की मांग की है। बता दें कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शेख लतीफा कहती दिख रही है कि उनको बाहर से घिरे एक विला में बंद किया हुआ है। 35 वर्षीय लतीफा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की बेटी है जो यूएई के उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री हैं। राजकुमारी को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है क्योंकि उन्होंने 2018 में समुद्र से अमीरात से भागने का प्रयास किया था। इस वीडियो में राजकुमारी लतीफा कहती दिख रही है कि उन्हें बंधक बनाया हुआ है। वो एक बड़े घर में है जिसे पूरी तरह जेल में तब्दील कर दिया गया है। ये वीडियो वो अपने बाथरूम से बना रही है। ये एक स्थान बचा है जहां मुझे अपने आप को लॉक करने की अनुमति है। यहां खिड़की बंद रहती है और मैं उन्हें खोल भी नहीं सकती। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा कि गुरुवार को जेनेवा में यूएई के राजनयिक मिशन से बात की गई थी। OHCHR के प्रवक्ता लिस थॉन्सरेल ने संवाददाताओं को बताया, हमने कल जेनेवा में स्थायी मिशन के साथ मामला उठाया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।